झारखंड के कोने कोने से आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्तागण, आप सब लोगों का इस मिलन समारोह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोग सब लोग जानते थे कि झारखंड प्रदेश में खासतौर पे हम लोगों का विशेष ध्यान है, और पिछले बार कार्यक्रम में हमने खुद ही कहा था, इसी जगह हुआ था, अंदर हुआ था, पूरा पैक हो चुका था। तो इस बार निर्णय लिया गया कि बाहर कराया जाए, और महीने में खुद को हमने कहा था कि आप लोगों के बीच आकर के झारखंड में दो दिन जो है महीने में हम आप लोगों के साथ बिताएंगे। और सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के अलग अलग जगह कार्यक्रम बनाकर के हम लोग कार्यक्रम करेंगे, और पार्टी को सींचने का काम करेंगे, जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, भेदभाव समाज में ना रहे, इसके लिए हम लोग अपनी विचारधारा को भी जनता के बीच ले जाएंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बीच में ये कार्यक्रम शुरुआत हुई थी, और ये उसके बाद जो है ये हुआ नहीं, क्योंकि बिहार में राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन रही थी कि मेरा वहां रहना जरूरी था। और साथ ही साथ आप लोग सब लोग जानते हैं कि कई बाई इलेक्शंस भी वहां थे, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि बीजेपी जो है झारखंड में क्या खेल कर रहा था, महाराष्ट्र में क्या खेल कर रहा था। देश में जहां भी उनकी सत्ता नहीं होती है वहां केवल धन के बल पर विधायकों की खरीद फरोख्त या सरकारी एजेंसियों द्वारा छापे और रेड पड़वाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में, झारखंड में जो हो रहा था, हम लोगों को लगा कि ये लोग संविधान को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, और जो चुनी हुई सरकार है उसको पैसे के बलबूते और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से ये लोग जो है चुनी हुई सरकार को गिराएंगे। और हम लोगों ने बिहार की धरती में सभी समाजवादी एक हो गए, और जब समाजवादी लोग एक हो जाता है तो फिरका परस्त ताकत कहीं टिकने वाला नहीं है, ये आप सब लोगों को जानना चाहिए। ये लोग पूरे देश में खेला कर रहे थे, बिहार में हमने इनके साथ खेला कर। अब आप लोग देखिए, लेकिन इनके हिसाब से नहीं कि हम तो विपक्ष में थे भैया, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमारे साथ अंबानी अदानी जी नहीं खड़े हैं, हम लोग गरीबों की पार्टी है, और ना हमारे पास सरकारी तंत्र मंत्र है सीबीआईडी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी हम लोगों ने निर्णय लिया और फिर से महागठबंधन बना करके भाजपा को बिहार से खदेड़ने का काम किया। अब आप सब लोग झारखंड के निवासी हैं, और झारखंड से मेरा पहले से भी लगाव रहा है, एक ही घर था बिहार और तो झारखंड, कोई अंतर नहीं रहा। झारखंड से हम रणजी ट्रॉफी भी खेले, कई बार कई जगह जाने का मौका मिला, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम बनाकर के अब हम लोगों को पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, और इसमें हम सब लोगों को योगदान देना पड़ेगा पार्टी को मजबूत करने के, विचारधारा को मजबूत करने के। कोई अगर समझता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल कमजोर है झारखंड में,
तो ऐसी बात नहीं, हमारा जनाधार है, कोई भूल ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन उस हिसाब का हम लोगों का बन नहीं पाया, जो खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। और विशेष तौर पे अब हम लोगों को संगठन बनाना है, गांव गांव तक जाना है, अभियान की शुरुआत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करना पड़ेगा, अपनी बातों को जनता के समक्ष रखना पड़ेगा। तो इस काम में हम लोग लगेंगे, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोगों का इसमें साथ मिले, आशीर्वाद मिले और आप लोग ताकत दीजिए, ताकि बिहार में तो हमने भाजपा को सबक सिखाया, यहां भी जो गठबंधन हमारा जेएमएम और कांग्रेस के साथ है, हम अगर ताकत अपनी बढ़ाते हैं तो गठबंधन की ताकत बढ़ती है, यहां की गठबंधन की ताकत बढ़ती है। और हमारा गठबंधन अगर ताकतवर होगा तो आप समझ जाइए कि भाजपा यहां टिकने वाली नहीं। भाजपा क्या किया यार, अभी बजट आया होगा, झारखंड को क्या मिला बताइए बजट में? केंद्र सरकार का जो बजट आया इसमें झारखंड को क्या मिला? 17-18 साल सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो यही भाजपा वालों ने किया ना, और केंद्र में भी उनकी सरकार, क्या मिला विशेष तौर पे? कुछ नहीं कर रहे ये लोग, इस प्रदेश के साथ पक्षपात कर रहे, पैसा देना बंद कर रहे, क्योंकि इनकी यहां सरकार नहीं है, यही काम में लोग लगे हुए। तो हम आप लोगों के बीच आए हैं यही संदेश लेकर के कि हम सब लोगों को एक होना होगा, धर्म जाति के चक्कर में नहीं पड़ना है, बीजेपी का एक ही एजेंडा रहता है, अगर चुनाव हारते हैं ये लोग तो केवल और केवल मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर यही काम में ये लोग लगते हैं, और कोई काम नहीं है इनका। बताइए इन लोगों ने कहा था कि नहीं कहा था 2022 आएगा तो हर घर को पक्का मकान बना के देंगे, जिसको मकान नहीं उसको पक्का मकान बना करके देंगे। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2022 आ गया क्या हुआ? किसान का आय दुगुना करेंगे, क्या हुआ किसानों का? तो ये लोग केवल केवल भाषण और झूठ बोलने में माहिर लोग, केवल केवल ठगने का काम करते हैं। आप लोगों से हम इतना जरूर कहेंगे कि ये लोगों को पच नहीं रहा कि यहां आदिवासी मुख्यमंत्री है, हम लोगों के यहां भी छापे मारे, यहां भी छापे मारे, कहां कहां ये लोग इस प्रयास में नहीं लाओ। और आप देखिए जब ये सरकार पिछड़ों के लिए आरक्षण लाती है तो गवर्नर जो अभी तक पास ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहा? ये दलित विरोधी सरकार भाजपा की, भाजपा वाले दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और हम कल मुख्यमंत्री जी से मिलके आए, हमने कहा है कि भैया हम लोग सरकार में भी हैं और मुख्यमंत्री जी आपको निर्णय लेना है, आपको ये निर्णय लेना है कि कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव ना हो, उनका भी सम्मान जो है आप रखने का काम। और यही नहीं, हम तो उनको राय भी दे के आए कि पिछड़ों का आरक्षण आपने दिया, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन बिहार में हम लोग जो है कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे, जातीय गणना, और हमने उनको सुझाव दिया है कि झारखंड की धरती पे भी आप जो है कास्ट बेस्ड सर्वे यानी जाति गणना जो है आप कराने का काम, जातियों की गणना मतलब सब लोगों का गिनती होता है, जानवरों का होता है, पेड़ पौधों का होता है, लेकिन आपके राज्य में कौन लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है एक कमरे में बसर करता है, कौन लोग जो है कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है,
तो जब तक आपके पास साइंटिफिक आंकड़े नहीं होंगे तब तक आप बजट में जो है कल्याणकारी योजनाएं ढंग से आप लागू नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ये राय दिया है मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव थे इस चीज को लेकर के कि हाँ इस काम को जो है करवाने का काम करेंगे। और जयप्रकाश जी ने बताया आपको कि आदरणीय लालू जी स्वस्थ होकर के वो दिल्ली आए हैं, देश आए हैं और मेरी बहन ने किडनी दिया था, एक बड़ा ट्रांसप्लांट जो है उनका हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है और ये केवल आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्रार्थना जो है वो काम आया। असली ताकत आप लोग हैं, आप लोग ही असली ताकत हैं और वो फिर से स्वस्थ होकर के आए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के बीच वो जरूर आएंगे और आप लोगों का भी मार्गदर्शन करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि आप जिस हिसाब से उनको आप लोगों ने पहले ताकत दिया उसी हिसाब से आप हमको भी ताकत देने का काम, आप लोग संगठन बनाइए। अभी हमारे आदिवासी भाई भाषण दे रहे थे, बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, उनकी अपनी चिंताएं जो उनको दिखा है उन्होंने प्रकट किया है। लेकिन हमारा जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब हम कैसे टिकट मांगेंगे। और एक बात समझ जाइए, आप लोग संगठन मजबूत कीजिए, आप लोग पार्टी के लिए काम कीजिए, टिकट दिलाना मेरा काम है। तो टिकट की बात अलग है लेकिन हम सब लोगों को, देश के संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को, भाईचारे को बचाने की जरूरत जो है वो करनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ आज ना कहते हुए आप लोगों का आशीर्वाद लेने, आप लोगों का समर्थन लेने आए। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है आयोजकों को उनको धन्यवाद देते हैं और आप सभी कार्यकर्ताओं को सलूट और सलाम देने का काम करते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए। तो लड़ाई इसमें पीछे नहीं हटना है, हम करेंगे, ताकत बढ़ाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हम लोग जो है महागठबंधन या गठबंधन जो है अलग से आप लोग न्यूज चलाओगे। तो हमारा ऐसा कोई भावना नहीं है, सब पार्टी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पार्टी को मजबूत करें। और इसी सिलसिले में हम झारखंड आए हैं और हम तो चाहेंगे कि यहाँ जो मुख्यमंत्री उनको मजबूत करें। तो आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम, सलाम और यही अपनी बातों को विराम देते हैं। जय।